हेलो गाइस, स्वागत है और सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तुम कैसे अपने सीपीयू को ठंडा रख सकते हो, या अपने कैबिनेट को, या फिर अपने ग्राफिक कार्ड, कुछ भी हो, या अपना टेम्परेचर तुम कैसे मेंटेन कर सकते हो। देखो, बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि पीसी तो बिल्ड कर लिया लेकिन हम कूलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और टेम्परेचर फिर हमारे पहुंच जाते हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो आज मैं तुमको अपने बायोस की कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिसकी मदद से तुम फैन कर्व वगैरह एडजस्ट कर सकते हो और उसकी मदद से तुम जो है वो ये सब सेटिंग कर सकते हो। तो चलो पहले हम बायोस में बूट कर लेते हैं। मैं अपने रिस्टार्ट का बटन दबा रहा हूँ पीसी में और फिर हम बायोस में बूट हो जाएंगे। तो ये मैंने किया, मैं फ्लैश खोल देता हूँ। फ्लैश से अच्छी क्वालिटी आती है, अभी अच्छी नहीं आ रही है। तो जैसे ही मैं बायोस में बूट होता हूँ, रुको, मेरा डिलीट दबा के बायोस में इनेबल होगा। तो ये हम पहुंच गए बायोस में। तो अब मैं फ्लैश दबाता हूँ तो ये अच्छी क्वालिटी देगा। ये देखो, बेहतरीन क्वालिटी। तो देखो गाइस, यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है एडवांस फ्रीक्वेंसी सेटिंग। अच्छा, तुम्हें अगर ओवरक्लॉक करना है सीपीयू, कैसे ओवरक्लॉक करते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, राइजन मास्टर से कैसे ओवरक्लॉक करना है और बाकी तुम्हारा अगर राइजन है या कोई और सीपीयू तो उसको कैसे ओवरक्लॉक करना है, मैंने बताया हुआ है, तो तुम देख सकते हो। अच्छा, किसी का गीगाबाइट जैसा मदरबोर्ड है, जैसा मेरा है, तो आपने रितम साहू दुकान भाई का भी शायद गीगाबाइट का है, तो उनको ये काफी हेल्प हो जाएगी। तो हर जो तुम्हारा मदरबोर्ड होता है उसकी अलग सेटिंग होती है। तो मेरे मदरबोर्ड में यहाँ पे देखो तुम्हें दिया हुआ है, ये देखो स्मार्ट फैन 5 सेटिंग्स, ठीक है। तो ये जो स्मार्ट फैन 5 सेटिंग्स दी हुई है, इसको जरा मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जो है ये कुछ कुछ इस तरीके का मुझे फैन कर्व दिखा रहा है। मैं जरा फ्लैश बंद करता हूँ ताकि तुम्हें जो है वो अच्छे से दिखाई दे। जरा फ्लैश बंद हो जाए मेरे भाई। देखो, तो ये कुछ इस तरीके का ये दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान दे रहे हो तो देखो, ये है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और यहाँ पे है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये कर्व कुछ ऐसा कर रहा है कि देखो, जब तक टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे देखो, ये जीरो है ना, तो ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री और ये हो गया ये लगभग 30 डिग्री। जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री पे है तो फैन की स्पीड जो है वो लगभग इतने पे रहेगी, 30 पे रहेगी, 30 डिग्री पे लगभग फैन 30% पे घूमेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर जैसे 40 पहुंच जाता है, ठीक है, टेम्परेचर जैसे 40 पहुंचता है, तो यहाँ पे तुम नंबर 2 देख रहे हो, ये नंबर 2 यानी टेम्परेचर के साथ साथ फैन की स्पीड बढ़ेगी। जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ता है तो देखो फैन की स्पीड बढ़ेगी। अब तुम इसे ना खुद के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे तुम चाहते हो तो इस हिसाब से गिन लो। जैसे ये हो गया फैन की स्पीड और ये हो गया टेम्परेचर, तो जैसे ये वाली जो लाइन है ये 10 डिग्री, ये वाली लाइन हो गई 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100। तो ये जो है तुम चाहते हो कि 40 डिग्री पे तुम्हारा पंखे जो है वो 50% पे घूमने चल जाए, घूम ले। मतलब जैसे ही तुम्हारा टेम्परेचर 50% पहुंचे तो तुम्हारे जो पंखों की स्पीड है वो जो है तुम्हारी 40 पे पहुंच जाए या 70 पे पहुंच जाए, वो तुम अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लो। मैंने खुद का ये कर्व बनाया हुआ है, ये डिफॉल्ट पे सेट नहीं है और मैंने इसे खुद को कस्टमाइज किया हुआ है। तो देखो, मेरा जो सीपीयू का टेम्परेचर वो अभी है वो 37 पहुंचा हुआ है बिना फालतू में, और जो मेरी फैन स्पीड है वो है 1305-1308 ऐसे घूम रही है। अब मैं चाहूं तो इसे बढ़ा भी सकता हूं। देखो, चलो मैं जो सीपीयू फैन स्पीड कंट्रोल मेरा यहाँ पे, मैं चाहूँ तो इसे मैक्स भी कर सकता हूँ। जैसे ये देखो दिखा रहा है सीपीयू फैन स्पीड कंट्रोल, तो ये नॉर्मल दिखा रहा है। और मैं अगर इसे यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें ये मैं फ्लैश ऑन करता हूँ, हो जा मेरे भाई, ये देखो, तो ये फुल स्पीड का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही मैं इस फुल स्पीड पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये देखो, जो पहले 1300 कुछ पे घूम रहा था वो देखो यहाँ पे 1800 पे घूमने शुरू हो गया मेरे पंखे, देख रहे हो। और ये तो गाइस अभी कुछ भी नहीं है, ये तो गाइस कुछ भी नहीं है। अब मैंने जो है ये अप्लाई टू वाले ऑप्शन पे किया, तो ये देखो अप्लाई सीपीयू फैन पे मुझे अप्लाई करना है। मेरे कंप्यूटर में जो है, मेरे पीसी में लगभग 3 पंखे हैं, एक आगे, एक एग्जॉस्ट में और एक सीपीयू का। तो ये 3 पंखे दिखा रहा है, सिस्टम फैन 1 जो कि आगे वाला है, सिस्टम फैन 2 जो कि पीछे वाला है, और सीपीयू फैन मतलब जो मेरा सीपीयू का स्टॉक कूलर है उसका। तो ये वो दिखा रहा है, तो ये उस हिसाब से होगी, ठीक है, ये उस हिसाब से तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो। देखो, अगर किसी को जानना है मेरे टेम्परेचर्स कितने जाते हैं ओवरक्लॉकिंग करने के बाद या ओवरक्लॉकिंग ना करने के बाद, तो तुम यहाँ पे टेम्परेचर्स मेरे देख सकते हो। मेरे सीपीयू का टेम्परेचर 38 है, चिपसेट का मेरा 43 है और वीएसओसी मॉसफेट्स वगैरह का मेरा 40 है। सिस्टम 1 ये 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, मुझे नहीं पता सिस्टम 1 किसका दिखा रहा है, और वीआरएम और मॉसफेट्स है मेरे ख्याल से इसका 41 है। तो मेरे जो है ना वीआरएम हॉट हो रहे हैं इस वक्त और ना ही मेरे बाकी चीजें जो है वो हॉट हो रही है। चलिए एक बार ओवरक्लॉक अप्लाई करते हैं और ओवरक्लॉक करने के बाद देखते हैं इनका टेम्परेचर कितना जाता है, ठीक है। तो मैं ओवरक्लॉक अप्लाई करता हूं, ओके, तो हम ओवरक्लॉक करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास ओवरक्लॉकिंग सेटिंग्स हैं, लोड ऑप्टिमाइज डिफॉल्ट, नहीं, मेरी वो कहाँ गई, लोड प्रोफाइल्स में। हाँ, तो देखो मेरी प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे है, तुम्हें दिख रही है, मैं फ्लैश बंद करता हूँ। मैंने कुछ प्रोफाइल सेव की हुई है, एक प्रोफाइल है जिसमें मेरी 3.8 सीपीयू पहुंच जाएगा मेरा 3.8। यार तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फ्लैश ऑन करूंगा तो देखो। हाँ देखो,
प्रोफाइल टू देखो, प्रोफाइल टू में 3.8 सीपीयू है और रैम जो है वो 3000 मेगाहर्ट्स, ठीक है, और प्रोफाइल वन है वो है रैम 2933 लेकिन सीपीयू नॉर्मल पे। तो मैं सेकंड वाली को करने वाला हूँ, मेरा सीपीयू जो है वो 3.8 GHz पे अप्लाई हो जाएगा और रैम मेरी 3000 MHz पे ओवरक्लॉक हो जाएगी। तो चलिए इस पे प्रोफाइल लोडेड, ओके, तो देखते हैं ये प्रोफाइल तो लोड हो गई। अब हम जरा अपने वो देख लेते हैं, फैन सेटिंग्स में देखते हैं कितना टेम्परेचर गया है अभी, क्या मुझे इसको रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़ेगी। पर देखो अभी देखो हम उसमें है, किसमें देखो अभी हम बायोस में, ना सिस्टम पे हीट पड़ रही है ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो जरा मैं जरा तुमको वो दिखाता हूँ मेरे टेम्परेचर्स कितने जा रहे हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जरा लोड करके दिखाता हूँ, सेव एंड एग्जिट एग्जिट करके मैं जरा तुम्हें लोड होके दिखाता हूँ। तो जरा सेव एंड एग्जिट करते हैं। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे, देखो गाइस असल में क्या होता है, तुम लोगों के पास तो पावरफुल ग्राफिक कार्ड होगा, 1070 1080 क्या पता किसी के और के पास कुछ और हो, ठीक है। तो ये तो हमारी देखो प्रोफाइल लोड हो रखी है, इसे करते हैं बैक और मैं करता हूँ सेव एंड एग्जिट, ओके, यस, ठीक है गाइस। तो ये तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, दूसरी चीज तो क्या होता है, तुम्हारा अभी तुम्हारे पास जो ग्राफिक कार्ड है वो एयर कूल है। तो ग्राफिक कार्ड कैसे काम करता है, तुम्हारा जो सीपीयू का आगे का पंखा है वो ठंडी हवा अंदर ले रहा है, वो पीसी बूट हो गया। तो मैं क्या कह रहा था, तुम्हारा जो आगे वाले पंखे है ना वो सीपीयू को ठंडी हवा अंदर देते हैं, ग्राफिक कार्ड को भी देते हैं। अब ग्राफिक कार्ड क्या है, वो ठंडी हवा अंदर लेता है, पहले थोड़ा समझ लो फिर आगे दिखाता हूँ। तो ग्राफिक कार्ड ठंडी हवा अंदर लेता है, ठंडी हवा से खुद को ठंडा करता है और जो गर्म हवा है उसको केस के अंदर छोड़ता है। अगेन गाइस, तुम्हारा ग्राफिक कार्ड गर्म हवा को केस के बाहर नहीं छोड़ता है, तुम्हारा जो वो है ग्राफिक कार्ड वो केस के अंदर ही गर्म हवा को छोड़ता है। अब वो तुम्हारे केस की जिम्मेदारी है, वो तुम्हारे कैबिनेट की जिम्मेदारी है कि ग्राफिक कार्ड ने जो गर्म हवा फेंकी है उसको वो केस से बाहर फेंक दे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, तुम्हारा जो ग्राफिक कार्ड था उसने गर्म हवा भेजी बाहर केस के अंदर, मतलब गर्म हवा भेजी, अब केस तुम्हारा उस गर्म हवा को बाहर फेंक नहीं रहा है, तो होगा क्या, तुम्हारा ग्राफिक कार्ड उसी गर्म हवा को अंदर लेगा और फिर उसी से खुद को ठंडा करने को यूज करेगा, फिर वो और गर्म हवा बनाएगी, फिर उसी गर्म हवा को अंदर लेगा, तो इससे तुम्हारा ग्राफिक कार्ड गर्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इसलिए केस की कूलिंग भी जरूरी है। अब तुम्हारे पास 4-5 पंखे नहीं है केस के अंदर, अगर तुम्हारे पास पावरफुल ग्राफिक कार्ड है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा तुम एक अच्छा खासा 3-4 पंखे तो लगा ही लो कैबिनेट में, ऊपर नीचे जहां जगह है, और सेटिंग करके देखो उनको ऊपर नीचे की किस हिसाब से लगाना है। और अगर तुम्हारे पास कोई नॉर्मल नॉर्मल सा ग्राफिक कार्ड है 1050, तो तुम्हें 1050 Ti तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर ये चीज मायने रखती है क्योंकि इसी से तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो गर्म होता रहता है। अब ना केवल तुम्हारा टेम्परेचर गर्म हो रहा है, अगर तुम्हारे सीपीयू में यानी तुम स्टॉक कूलर यूज कर रहे हो जैसे मान लो AMD या इंटेल का, अब क्या है, वो गर्म हवा ग्राफिक कार्ड ने बाहर तो फेंक दी, अब जो तुम्हारा सीपीयू है वो भी उसी गर्म हवा को अंदर ले रहा है, तो तुम्हारा सीपीयू भी साथ साथ गर्म होता रहेगा क्योंकि तुम्हारे केस की कूलिंग अच्छी है। तो चलो देखो हम ओवरक्लॉक है, पहले चेक कर लेते हैं हम ओवरक्लॉक है या नहीं, मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ वरना लोग प्रूफ नहीं मान, लोग प्रूफ मांगते हैं। देख लो गाइस प्रूफ तुम्हारे सामने है, बेस स्पीड देख लो तुम 3.79 जो कि लगभग 3.8 GHz है, ये एग्जैक्ट 3.8 तो दिखाएगा वैसे भी नहीं, ठीक है। अब मैं तुम्हें रैम दिखा लेता हूं, तो देखो ये रही मेमोरी, तो देख लो रैम हम 3000 MHz से ऊपर ओवरक्लॉक्ड है, बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे चेक कर चुका हूं पहले भी लोगों को मैं दिखा चुका हूं। तो ये रही अपनी स्पीड्स, और ओ सॉरी तुम लोगों किसी को खाने का मन है तो बनाना, मुझे मेरा तो मन कर रहा है। अच्छा मैं वीडियो बनाने से पहले खा ही रहा था, मैं मूवी देखते देखते खा रहा था तो हो जाता है कभी कभी। चलो छोड़ो वीडियो पे आते हैं, तो देखो टेम्परेचर देखते हैं, चलो टेम्परेचर कितना आएगा मेरे, ये जो है ना माउस इसकी DPI सेटिंग करनी पड़ जाती है हर बार बूट होते वक्त। देखो टेम्परेचर देख लो तुम, अभी टेम्परेचर ये नॉर्मल है आइडियल पे, ये स्ट्रेस नहीं चल रहा है अभी, ये बिल्कुल स्ट्रेस पे नहीं है मेरा सीपीयू, ठीक है। कुछ इसमें कोई टास्क प्राइम 95 वगैरह कुछ चल नहीं रहा है, कुछ एडा 64 वगैरह, तो ये देखो टेम्परेचर अपने कितने चल रहे हैं, 34 34 34 कहीं पे जो है अपना 44 भी है, लेकिन 50 से अबव तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा है, मेरा टेम्परेचर 50 से अबव कहीं नहीं जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ तुम्हें, अभी अंडर लोड तो नहीं है लेकिन अंडर लोड भी नहीं जाता है वैसे मेरा, अभी जो है मैं वीडियो जो बना रहा हूँ आज काफी कड़क धूप निकली हुई है, वरना मेरे यहाँ जो है वो मौसम ठंडा ही रहता है, बल्कि 2 दिन पहले बारिश भी मेरे यहाँ बहुत ठंडा था, तो मेरे यहाँ जो है वो टेम्परेचर जाता नहीं है इतना ज्यादा। अब तुम जो है मुंबई में रहते हो या तुम दिल्ली में रहते हो तो उस हिसाब से क्या पता तुम्हारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो जो है वो तुम्हारा डिफर कर सकता है, ठीक है। तुम्हारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो क्या पता, रूम टेम्परेचर मेरे यहाँ तो रूम टेम्परेचर मान लो कल के है 18, अब तुम्हारे वहां है 25 26 27, तो तुम्हारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी तो ज्यादा है ना, तो इसलिए तुम्हारे ये टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं। मेरा जो सीपीयू का फैन है वो भी फुल स्पीड पे नहीं घूम रहा है, 1240 RPM पे घूम रहा है, देख लो तुम मेरा जो सीपीयू का फैन है वो देखो 1200 1300 RPM पे घूम रहा है, देखो 1200 आ गया,
ज्यादा वो, और उसकी मैक्सिमम स्पीड 1800 कुछ है, 1800-2000 है, ठीक है, लेकिन वो उतने पे नहीं घूम रहा है। और जो मेरे बाकी दो पंखे हैं सीपीयू में लगे हुए, वो भी देखो अभी कम, काफी कम आरपीएम पे घूम रहे हैं। मैं चाहूं तो बायोस से जाके इन पंखों को वो कर सकता हूँ, क्या कहते हैं उसे, रैम्प अप कर सकता हूँ, इनकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, अब तुम में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ग्राफिक कार्ड गर्म हो रहा होगा, तो गाइस तुम लोग पता क्या करो, अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड हॉट हो रहा है तो तुम MSI Afterburner खोलो, ओवरक्लॉक करने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है तुमको ओवरक्लॉक करने को, सिंपल फैन स्पीड बढ़ा दो अपने ग्राफिक कार्ड की, जो फैन स्पीड है ना इसको बढ़ा दो, बाकी क्या उसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, ठीक है। अगर तुम इसको फैन स्पीड को, ये देखो ये अभी ऑटो पे सेट है, ये देखो देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑटो पे सेट है, मेरा माउस का कर्सर देखो ये, ठीक है, तो ये ऑटो पे सेट है, इसको ऑटो से मैंने हटा दिया, मेरा फैन जो है ग्राफिक कार्ड का 25 पे घूम रहा है अभी, ठीक है। और टेम्परेचर देख रहे हो ग्राफिक कार्ड के कितने कम है यार, कितने कम है, देख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। चलो मैं वैली बेंचमार्क लॉन्च करता हूँ और देखते हैं कि हमारे ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर कितने जाते हैं। DirectX 11 नहीं, चलो DirectX 11 ही है, इसमें सब कुछ सही है, ये सब सही है, 1920x1080 और ठीक है, हाई क्वालिटी में हम रन करते हैं वैली बेंचमार्क। 2 मिनट के लिए वैली बेंचमार्क रन करेंगे, तो गाइस वैली बेंचमार्क रन हो रहा है, और पीछे तार तूरों पे ध्यान मत दो यार, मैं थोड़ा गंदा आदमी हूँ, मतलब मेरा जो है वो ऐसे ही चलता है। तो ये वैली बेंचमार्क रन हो रहा है, तो देखते हैं गाइस टेम्परेचर कितने जाते हैं मैक्सिमम। अभी हम ओवरक्लॉक्ड है, अभी हमने ग्राफिक कार्ड ओवरक्लॉक नहीं किया है, ग्राफिक कार्ड स्टॉक पे ही है, लेकिन हमारा सीपीयू वगैरह जो है ये सब ओवरक्लॉक्ड है। तो देखते हैं टेम्परेचर कितने जाते हैं, ग्राफिक कार्ड के देखेंगे हम टेम्परेचर, हम सीपीयू वगैरह के नहीं देखेंगे। चलो सीपीयू के भी मैं दिखाई दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा वैली बेंचमार्क अपना रन हो रहा है, आज हो जा रही, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। तुम लोग तो ऐसा है, मेरा था मूवी देखने का प्लान, पर फिर मैंने कहा यार, मैंने अपने एक भाई को, सब्सक्राइबर को, यानी अपने रितम सा दुकान भाई को बोला हुआ था, या फिर आप में से कई लोगों को भी इच्छा होगी कि मैं इस कूलिंग वगैरह पे एक वीडियो बनाऊं, है ना। और मैंने कहा चलो क्यों ना प्रैक्टिकली दिखा दिया जाए कि अगर तुम्हारा सीपीयू ज्यादा गर्म होता है तो तुम कैसे तोट के आजमा सकते हो, कुछ क्या क्या जुगाड़ कर सकते हो। वैसे तो सबसे बढ़िया प्लान यही है, मैं तो चाहता हूँ कि तुमको ये सीपीयू की, जो तुम पंखे की स्पीड बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँ, ये ना करनी पड़े। तुम जो है वो 200-300 250 रुपए के आते हैं यार पंखे, 250-250 रुपए के आते हैं 120mm वाले, उनको लगा लो अपने पीसी में बढ़िया से और फिर उसके बाद मजे उठाओ। लेकिन अगर तुम वो भी नहीं करना चाहते हो तो फिर भैया यही रास्ता तुम्हारे पास बचता है। वैसे तो 250 के पंखे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ सबसे बढ़िया जो रहता है वो रहता है कि आगे पे अगर तुम्हारा दो इनटेक फैन है अगर आगे पे तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अगर आगे पे तुम्हारे दो इनटेक फैन नहीं है तो अगर तुम्हारे केस के ऊपर पे जगह है तो या तो तुम उन्हें इनटेक की तरह यूज कर लो, ठीक है, या फिर तो तुम उन्हें एग्जॉस्ट की तरह यूज कर लो। दोनों कंडीशंस को एक बार लगा के देखो, एक बार पंखों को सीधा लगाओ इनटेक की तरह, एक बार पंखों को जो है उल्टा लगा दो एग्जॉस्ट की तरह, और देखो टेम्परेचर तुम्हें किस में बढ़िया मिलते हैं। वैसे ज्यादा फर्क आएगा नहीं, ज्यादा फर्क दोनों में से किसी में नहीं आएगा, पर तुम चेक कर लेना तुम्हें किसमें फर्क देखने को। चलो मैं वैली बेंचमार्क रोक रहा हूँ, बहुत है इतना, वरना बहुत लंबी खिंच जाएगी वीडियो। इसे क्विट करते हैं, क्विट। तो ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर देखते हैं कितने चले गए स्टॉक पे, तो इसे काटते हैं। देखो वैली बेंचमार्क पे हमने किया और हमारे ग्राफिक कार्ड के टेम्परेचर 50 पे चल रहे हैं, देखो देख रहे हो, और अभी तो मैंने ओवरक्लॉक भी नहीं किया। तो ये जो है वो अपने आप ही इतना होता रहता है, टेम्परेचर जो है वो अपने आप बढ़ते हैं फिर। लेकिन अगर हाँ देखो, अगर तुम्हें इसकी वो करनी है, मैंने इसे ऑटो से हटा दिया, अगर मैं इसे ऑटो पे रखता तो जब टेम्परेचर बढ़ते हैं ना तो पंखे की स्पीड भी बढ़ती, लेकिन अभी जो है पंखे की स्पीड बढ़ी नहीं क्योंकि हमने इसे ऑटो से मैनुअल पे किया हुआ था। अगर हम इसे ऑटो पे रखते हैं तो वो 50 डिग्री शायद पहुंचती नहीं क्योंकि जो तुम्हारा पंखा है वो अपनी स्पीड खुद ब खुद ही बढ़ा लेता, लेकिन हमने उसे ऑटो से मैनुअल पे कर दिया। तो अब जैसे 43 दिखा रहा है टेम्परेचर, मुझे इसे ठंडा करना है, ठीक है, तो मैं इसे जैसे मान लो मैंने फैन जो है वो 68 पे करके अप्लाई कर दिया, देखो अब मेरा पंखा जो है वो 68 पे घूम रहा है, देखो टेम्परेचर कैसे डाउन जा रहे हैं, देखो देखो 41 पे आ गया, अब 40 पे भी आएगा धीरे धीरे, देखो 2 मिनट में आ जाएगा, अभी तुम चाहो तो स्पीड देखो 40 पे आ गया। तो इस तरीके से तुम जो है वो खुद ब खुद जो है वो अपनी वो सब सेट कर सकते हो। तुम चाहो तो पंखे को 80 पे घुमा लो, देखो तुम पंखों को 80 पे घुमा दो, और जब पंखे तुम्हारे 80 पे घूम रहे हैं उसके बाद गेमिंग कर लो तो तुम्हारा ग्राफिक कार्ड ठंडा ही, मतलब सॉरी गर्म ही नहीं होगा, मतलब इतना नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था, ठीक है। देखो टेम्परेचर देखो कहां से कहां आ गए, देखो 40 से कहां 37 तक आ गए, देख रहे हो। तो तुम अगर तुम्हारे पंखे नहीं घूम रहे हैं तो क्यों जिद कर रहे हो MSI Afterburner से, खुद ब खुद उन पंखों को घुमा लो, ठीक है, तो तुम्हारा बहुत बढ़िया ही रहेगा। देखो 36 पे आ गए, 35 आ गए, देखो कितनी जल्दी ड्रॉप हो रहा है, देख रहे हो तुम टेम्परेचर। चलो एक और बार वैली बेंचमार्क रन करते हैं, देखते हैं कितना टिकता है और कितना वो होता है, ठीक है। तो देखते हैं वैली बेंचमार्क, मैंने दोबारा रन कर दिया, इस बार पंखे 80 पे घूम रहे हैं, पिछली बार हमारे टेम्परेचर 50s में थे,
देखते हैं इस बार 40s में रहते हैं हम नहीं रहते हैं, कितना कमाल करता है MSI आफ्टर बर्नर। ठीक है और बताओ भाई लोग क्या हाल है तुम्हारे, कमेंट वमेंट करो यार कुछ बढ़िया सा। और गेम कौन कौन से खेल रहे हो तुम लोग? यार मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है, मेरा ना इंटरनेट की दिमाग खराब है साला। मैं जियो का नेट यूज करता हूँ इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर सकता कोई गेम। अब दिन का यार मुश्किल से 1-1.5 GB मिलता है, उसमें भी मैं 50-50 GB के गेम कहाँ से डाउनलोड करूँ? दोस्तों को बोलना पड़ता है कि भाई कर दे डाउनलोड फिर दे दे मुझे, जिंदगी झंड हो चुकी है। क्या बताऊँ तुम लोग को, बस खा के ही काम चल रहा है। और जो 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 भाई अपना वीडियो देख रहा है एंड तक, उसको तो भैया मेरा प्रणाम है यार, तुम लास्ट तक वीडियो देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद यार। वरना लोग तो स्टार्टिंग में ही छोड़ के चल जाते हैं वीडियो को। तो ये सब है वैली बेंचमार्क, 2 मिनट और चलने देते हैं, उसके बाद में जो है इसे कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि जितना पहले चलाया था उतने पे ही चलाएंगे ना, ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना ये भी लंबा चलेगा। वरना पिछली बार हमने पत्थर वाले सीन पे काट दिया था ना, आने दो सीन उसको मैं काटता हूँ। कल मैं एक मूवी देख रहा था मलहोलैंड ड्राइव, अगर तुमने वो मूवी देखी है तो बताना मुझे यार तुम्हें समझ आई कि नहीं आई, क्योंकि मुझे कुछ और उसमें समझ में आया, तुम्हें क्या पता उसमें कुछ और समझ में आया हो। तो जरा मेरे साथ भी अपने विचार शेयर करना अगर तुमने वो मूवी देखी हो मलहोलैंड ड्राइव। तो चलो यहाँ पे इसे वैली बेंचमार्क को रोकते हैं, क्विट ओके, देखते हैं अपने टेम्परेचर कितने जाते हैं। देखो इसे काटते हैं, देखो हम 50s तो हमने टच ही नहीं किया, देख रहो 50s हमने टच ही नहीं किया, हम अंडर 40s हैं। देखो पिछली बार जो हमारा टेम्परेचर था 51-50 ऐसी कुछ था, अब देखो हम टच ही नहीं कर रहे हैं। तो गाइज देखो ऐसा होता है, अगर तुम करते हो ऐसा, तुम अपने फैन की स्पीड बढ़ा देते हो। और अभी तो गाइज मैं तुम्हें इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हम जो है वो ग्राफिक कार्ड सॉरी रैम और हमारा वो सब भी ओवरक्लॉक्ड है, देख रहे हो, तो कुछ ना कुछ हीट तो ये भी निकाल रहे होंगे कैबिनेट के अंदर। मेरा जो पीसी का कैबिनेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट तो रैम भी निकाल रही होगी, कुछ ना कुछ हीट तो तुम्हारा सीपीयू भी निकाल रहा होगा, है ना। तो उसके बावजूद हमारा ग्राफिक कार्ड अंडर 40s है, हमारा ग्राफिक कार्ड उसके बावजूद अंडर 40s है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो गाइज मैं तो तुम्हें बस इतना रिकमेंड करूंगा कि अपने बायोस से फैन की स्पीड बढ़ा दो, फैन की स्पीड रैंप अप कर दो, गेम खेलते हो तो यार MSI आफ्टर बर्नर से भले ही तुम ओवरक्लॉक मत करो लेकिन पंखों की स्पीड मैनुअल करके बढ़ा दो, उससे तुम्हें ही फायदा होगा। मेरे ख्याल से MSI आफ्टर बर्नर में फैन कर्व का भी ऑप्शन है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से शायद मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, ऐसे फैन कर्व का ऑप्शन होना तो चाहिए यहाँ। हाँ ये रहा, ये देखो इनेबल यूजर डिफाइंड, ये देखो ये ऑप्शन पढ़ो तुम, मैं फोकस मान ली मेरे भाई, ये देखो अब देखो ये फैन का कर्व है, अब तुम इसे अपने हिसाब से वो कर सकते हो कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे फैन की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तुम अपने हिसाब से सेट कर लो कि अगर जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचते हो तो फैन जो है वो 80% स्पीड पे घूमने लग जाए, है ना। तुम इस हिसाब से अपने आप को सेट कर लो ना, देखो ये MSI आफ्टर बर्नर में तुम जो है ये स्पीड वगैरह इसके साथ खेल सकते हो। ये देखो ये टेम्परेचर दिखा रहा है, देखो यहाँ पे टेम्परेचर है नीचे पे, जैसे देखो दिखा रहा है नीचे नीचे, देखो तुम यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ही 60 पहुंचा तो फैन की स्पीड हो जानी चाहिए 80 पे, देख रहे हो, ये देखो 80 की लाइन में, ये 80 की लाइन में, तो जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा 60। गाइज यार वो ना मेरे क्या हुआ, मैं फोन से वीडियो बना रहा था और फोन की ना स्टोरेज फुल हो गई इसलिए वीडियो बीच में रुक गई, मुझे पता भी नहीं चला, तो अब मुझे पता चल गया। तो और तुम लोग को भी पता चल गया होगा कि तुम्हें फैन के टेम्परेचर वगैरह कैसे कंट्रोल करने हैं, तो आगे तो तुम खुद ही समझदार हो, एक बार ट्राई करो, ट्राई करने में कोई हर्ज तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ट्राई करने में, एक बार ट्राई करो, मजे करो, ऐश करो, तुम्हारे टेम्परेचर डाउन नहीं जाते हैं और एक ही चारा बचता है तुम्हारे पास कि तुम पंखे ले लो एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके अलावा फिर तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम सीपीयू की स्पीड डाउन क्लॉक करके भी तुम्हारा परफॉर्मेंस डाउन जाएगा और जीपीयू की स्पीड भी तुम डाउन क्लॉक करोगे तो भी तुम्हारा ही नुकसान है, तो तुम कर क्या सकते हो, तुम पंखे ले सकते हो। देखो या तो दो तरीके हैं, तो तुम अभी ऐसा करो कि पहले ये ट्राई करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इससे काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो फिर तुम्हारे पास पंखे लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जीपीयू एक हाई एंड जीपीयू है, क्योंकि देखो मिड रेंज जीपीयू जो होंगे ना 1050 1060 उनमें तो ये प्रॉब्लम होगी नहीं, जो 1070 1080 या तुम में से कोई 1070 Ti भी यूज कर रहा है, मेरे ख्याल से टोनी स्टार्क नाम से एक भाई है हमारे, उन्होंने नया 1070 Ti लिया हुआ है,
उन्होंने 1070 Ti के ऊपर बिल्ड किया है, असूस का स्ट्रिक्स वाला उनके पास है। और हाँ, उनका नाम टोनी स्टार्क नाम से ही उनकी आईडी है, तो मुझे उनका असली नाम तो नहीं पता, पर उन्होंने 1070 Ti लिया हुआ है। ठीक है, तो उन ग्राफिक्स कार्ड जो है वो थोड़ा हीट हो सकते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। और उनका शायद i6 कह रहा हूँ, i5 8600K के साथ उनका बिल्ड है, 1070 Ti और i5 8600K। तो मैं तो उनको पहले बोलूंगा कि उनका मेरे ख्याल से लिक्विड कूलर है, शायद लिक्विड कूलर यूज कर रहे हो मेरे ख्याल से शायद। तो अगर आप भाई टोनी स्टार्क भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो बताना आपने ओवरक्लॉक किया या नहीं किया अपने सीपीयू को, और कितने ऊपर तक पहुंचा, 5 GHz का बैरियर कितनी जल्दी आपने पार किया, जरा मुझे भी बताना, मैं भी जानने को उत्सुक हूँ। ठीक है, और बस तो यार, बाकी तो कुछ था नहीं वीडियो में, बता तो मैंने सब कुछ दिया। तो धन्यवाद बाबा, टेक केयर गाइज़।